सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। एंड आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आपका भी बहन भाई का ये त्यौहार बहुत ही प्यारा जाए और ऐसे ही लड़ते झगड़ते जाए जैसा मेरा जाने वाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी जो है हम बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं आराम से, और देखते हैं आज का दिन हमारा कितना अच्छा होने वाला है। दीदी मेरी घर पर आएंगी, बच्चों के साथ होगा, थोड़ा सा एंजॉय। आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में एंड तक। सो गाइस, सुबह सुबह हो चुकी है, हमारे घर में एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरा भाई जो है फ्रेश नहीं जा पा रहा, नाश्ता नहीं कर पा रहा। वो प्रॉब्लम कुछ और नहीं, वो प्रॉब्लम है वेस्टर्न पॉट की, जिसे मैं जा रही हूँ खुद से सही करने, क्योंकि रक्षाबंधन है। आई डोंट नो कि बाहर शॉप्स ओपन है या नहीं और काफ़ी चार्जेस मांगते हैं, तो आज उसे मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ। मैंने YouTube पे वो वीडियो देख लिया है, तो देखते हैं मैं उसे सही कर पाती हूँ या नहीं। तब तक के लिए बने रहो, और मैं मिलूँगी आप सीधे नहाने के बाद, बिकॉज फर्स्टली मैं करूँगी घर का क्लीनिंग, झाड़ू पोछा और फिर पॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व, और उसके बाद मैं सीधे नहा कर मिलूँगी आप लोगों से। सो गाइस, मेरे घर की झाड़ू तो भी लगा चुकी हूँ, वहीं जो है मैं बाहर का सफाई करने जा रही हूँ। बाहर का बिकॉज इसलिए क्योंकि रक्षाबंधन है, सफाई अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर का भी थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं, इसी बहाने थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। वहीं भाई की वजह से मुझे करना था पॉट का जेड स्प्रे को सही, बट इसका सिस्टम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें पीछे से इसे खोलना था, पता नहीं क्या था, तो फिर वापस से प्लम्बर वाले को बुलाया और उसे सही कराना पड़ा। मैं तो थक गई थी इससे। सो गाइस, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30। और सीन जैसा कि मैंने बताया था कि लड़ाई झगड़ते करते आपका दिन जाए, बट मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया सुबह सुबह। एक तो लॉस हो गया, ऊपर से मेरे 500 रुपये लग गए उसको सही कराने में, क्योंकि वो मुझसे खुल नहीं पाया, सही हो नहीं पाया पॉट का जेड स्प्रे, जिससे कि मुझे जो है बुलाना पड़ा बाहर से और सही कराना पड़ा। तो वो लगाने के और उस चीज़ को लाने के 500 रुपये ले जा चुका मेरे से, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, जिसके बाद इसी बात को लेकर मेरा और भाई का झगड़ा हो गया काफ़ी बड़ा। और अब वो मुझसे राखी भी नहीं बनवा रहा है, अभी तक तो उसने राखी नहीं बनवाई है, देखते हैं अगर बुआ आती है जब वो मुझसे राखी बनवाता है या नहीं। उसे चेंज करनी थी, वो चेंज भी नहीं करके ला रहा और ना ही बनवा रहा है। मेरा रो रो के हो गया है ऐसा हाल, मेरे को बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मुझे आ रही है पापा की याद। पापा होते थे सब चीज़ें संभाल लेते थे, हम जो है अपनी लाइफ में इतना कुछ नहीं संभाल पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भाई को बनाया और लेके आई राखी उसके लिए दोबारा से, और फिर देखो अभी लेकर आया बिग ब्रो वाली राखी जो इसने खुद मेरे से बनवाई है, तब जाके इसका गुस्सा शांत हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बुआ लाई थी हमारे लिए कुछ मिठाइयाँ, यहाँ पे सारी मिठाई हमने रख दी है, क्योंकि अभी मैं तो मिठा खा नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ जिम फॉर डाइट। एंड यहाँ पर कुछ गिफ्ट भी थे। बुआ गई हैं तिलक करके, और अभी 4 बजे मेरे भाई ने गुस्से में राखी दोबारा से लेकर आके चेंज करके तब राखी बनवाई, और अभी ये मेरे को गुस्सा है, गुर्रा रहा है भाई। बड़े भाई हो ना, अच्छी बात है, समझदार होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। छोटा भाई भी प्रोटेक्ट करता है, पर छोटे भाई के नखरे संभालना बहुत मुश्किल है। सुबह से बहुत कलेश मच रखी थी, राखी वाले दिन इतना टांडव हो गया, सोचा नहीं था मैंने अपने घर में, बट कोई ना, एज़ यूजल बड़े बहन होने के नाते छोटे भाई को तो बनाना ही पड़ता है। तो गए मार्केट, इसको लेकर आए, अभी इसके साथ राखी लेकर आए, आप उसको टीका किया अपने लिए, राखी लाया है छोटा, बट राखी लाया है बिग ब्रो वाली, जैसा कि आपने अभी देखी होगी। अभी बुआ जा चुकी हैं तिलक करके, अभी दीदी आने वाली हैं, और उसके बाद फिर मम्मी को लेकर जाऊंगी या मामी के घर। सो गाइस, आज का खाना बहुत लेट हो रहा है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस बहुत हल्का नाश्ता किया था, उसके बाद अभी ये मेरा खाना आ चुका है, तो इसे खाते हैं। बोला है छोले भटूरे घेवर और कुछ भी ऐसा मत खाना जो जिम में प्रॉब्लम करे, इसलिए हम नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं, रोटी से छोले। तो ये सबूत है इस बात का कि मैं जिम जा रही हूँ और मैं कुछ भी फैट वाला खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसे खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज, चूहे भी कूद रहे हैं, चलो खा ही लेते हैं। चूँकि हमारे पुलाव मटर पनीर के मस्त से ये रहे छोले, चटनी विद रोटी विद छोले। यहाँ मेरी दीदी और दीदी की बेटी आ चुके हैं, मैंने कहा बेटे को क्यों नहीं लाए, तो गई देख एक्टिवा देख ले क्या खराब हो रही है, मैं उसे लेकर आती हूँ। आते ही शुरू हुआ इसका ड्रामा, और इसने कहा मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, वहीं मैंने इसे कहा मैं अभी पानी नहीं दूंगी जब फेस नहीं दिखाएगी। तो हमने मामा के लिए मामी के घर के लिए गिफ्ट रेडी किया, और फिर क्या था दीदी जो है तिलक कर रही थी भाई का, और इसको वीडियो बनाने में इसको प्रॉब्लम हो गया कि
भाई मेरी वीडियो ये देखो, हमारी बड़ी दीदी आ चुकी है और ये बांध रही है अपने भाई के राखी। वैसे तो इसने गुस्से में बनवाई थी, दीदी से बड़े प्यार से बनवा रहा है, एक हाथ में दीदी का फोन चला रहा है और दूसरे में राखी बनवा रहा है। ये देखो देखे थे नवाब लोग, एक कान में एयरपॉड्स, दीदी हमारी बेचारी कोई तो सारा सामान हो दीदी से खाने के लिए, वैसे ही कम खाता है। ये देखो अभी से खाने वाला ये केक, मुझसे तो इसे चॉकलेट भी नहीं खाएगी, अब उनसे केक खाएगा, बुआ से पूरा रसगुल्ला खा गया था। और ये देखो ये देखो ये देखो, वाह इसे खा लिया, सब इसी के लिए लाते हैं ना। ये देखो ये लड़की कह रही मैं भी बांधूंगी रोकी। ये देखो चुया चुया उंगली से चुया चुया टीका करेगी ये लड़की, इसको टीका करना आता नहीं, चल तू यहाँ से जा हट। मामा भी खुश हो गया भाई ऐसे। मामा है मामा, देखो इतना छोटा गाइस उल्टा हो रहा है, मेरे को कोई राखी नहीं बांधता जबकि मैं सबकी रक्षा करती हूँ, सब लोग ऐसे राखी बांध रहे हैं, कितना बड़ा बाहुबली नहीं है ये। ये देखो मेरी माता श्री मेरी मौसी को राखी बांध रही है, कहाँ से राखी बांध रही हूँ, कहाँ से बांधते नहीं। यहाँ पर मेरी दी ने बांधी मुझे राखी पहली बार है, माता श्री मम्मी को केक भी खिला रही हैं। गाइस हम जा रहे हैं मम्मी को लेके मामी के, ये देखो लड़की कुछ बोलना चाहेगी नहीं, बस छुप गई। ये देखो इसकी शक्ल बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, इसलिए देख गाइस मेरी मौसी जा रही है नानी को लेके, और क्या मेरी थोड़ी टंग ट्विस्टर हो गई है, टंग ट्विस्टर हो गया थोड़ा। मैं आ चुकी हूँ इसके गाइस, इसकी शक्ल दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, अब दिखाई दे रही है, चल कैमरा सही है मेरा, अब देखो हाँ था मैं पता है तो शादीशुदा शादीशुदा के लिए देखो इसकी चूड़ी बहुत कुछ दिख जाएगा। ये देखो खेल ले पहले, देखा मैं कहाँ से कहाँ गई, मम्मी को छोड़ने गई थी ना, पहले आती थी देखो वो चूड़ी दिखाती उसमें क्या है। अभी देखो अभी क्यूट क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, वो स्नैपचैट तो है नहीं तो ये बननी, फिर से ये वही शरानी में लग गई और अपना फेस नहीं दिखा रही है, तो इसका तो खेल यही चलता रहेगा। सो गाइस दीदी अब जा रही है, ये देखो इनका सामान रेडी हो चुका है और टाइम हो रखा है 7, देखो अब दीदी को छोड़कर आते हैं बाहर तक, उसके बाद अपना काम पे लगते हैं वापस से। अब देखो फिर हाइड कर लिया इसने अपना फेस, देखा गुड्डा बाय बाय तो कर दे, अरे ऐसे बाय बाय कौन करता है, सही से कर सही से। ओ चाचा गुड्डा है कर बाय, जल्दी कर बाय बाय। फाइन सो गाइस फाइनली रक्षाबंधन बन चुका है ऑलमोस्ट, बुआ के चली गई, मैं मम्मी को मामी के ले गई, दीदी भी आके चली गई और फाइनली दीदी भी जा चुकी हैं, तो हम जाते हैं अंदर पूरा अपना सफाई करते हैं, घर का बहुत बिखरा बिखरा हो रखा है। और ये राखी मेरे को दी ने बांधी इस बार, मैं कहती मुझे कोई राखी नहीं बांधता इसलिए, और अभी काम ये पेंडिंग है, अभी तो पूरे घर की हालत बिखरी बिखरी हो रखी है, पहले तो इसे सही करना है। ये देखो ये सब बिखर रखा है, ये सब समेटना है, फिर कपड़ों की तय करनी है, फिर झाड़ू लगानी है, बहुत गंदा हो रखा है, तो ये सब क्लीन करते हैं और देखते हैं फिर आज रात के खाने में क्या खाते हैं और पेंडिंग काम को फिनिश करके मिलते हैं जल्दी। भाई मैं खा रही हूँ ये केक, दीदी लाई थी मेरे भाई के लिए, उसको कुछ खिलाने के लिए मीठे में, तो थोड़ा सा बता इसे मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो तीन राखी कैसे बची है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे मैं घर बनाती हूँ पाली जाती। अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैला सफाई भी मुझे करनी है, फिर से हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है। आज के दिन में हो चुका है बहुत ज़्यादा सर दर्द, मेरे भाई को पता नहीं आज कौन सा भूत चढ़ा है, जो वो बार बार गुस्सा हो जाता है, अब वो कह रहा है मेरे को एक्टिवा से जाना है, घूम कर आना है बाहर,
जा रहा है वो, अभी आ रहा है। मैं तो हैक्टिक हो गया पूरा दिन, मतलब ऑफिस की छुट्टी लाइक टू मच सर दर्द, इससे बेटर है ऑफिस जाओ, आराम से आओ, आराम से रहो। घूमने जा रहा है भाई मेरा भाई एक्टिव है लेके, अब तो 5 जल्दी आ गई हो, ठीक है। अभी इनको नए नए कपड़े पहन के बाहर घूम रहा है। अरे भाई शूज पहन के कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ये देखो भाई कहाँ जा रहा है पता नहीं। आजकल के बच्चों के तो अलग ही दिमाग। मैं तो नहीं जा रहा, मैं बता दिए भाई। तो गाइस हमने बनाई है मैगी, क्योंकि भाई को मैगी खाएंगे तो हमने भी सोचा अपने लिए बना लें। और देखो कितनी यम्मी दिख रही है ना, यम्मी यम्मी मैगी, बहुत मस्त है। 9:30 बजे मैगी खा रहे हैं, तो खाना कब खाएंगे, खाना तो खाएंगे नहीं, सो जाएंगे सीधे। चुके हैं देखो, प्रेस कर ली मैंने भाई के कपड़ों पर, और मेरे हो रहा है स्टोमक पेन, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जबकि मैंने सुबह से कोई भी गलत खाना या कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया है। बट मैं 2 दिन से घर पर हूँ, लाइक कल भी घर पर थी संडे और आज भी मंडे। मैंने अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करने की पूरी कोशिश की, मैंने कुछ भी गलत नहीं खाया, स्टिल मेरे स्टोमक में जो है काफ़ी पेन हो रहा है, इसीलिए अब मैं कोई भी खाना नहीं खाने वाली आज का, आज मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हैं, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, इंजॉय किया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज़।